जो पाबंद सौ मास लाता दा होवे उची कह दियो जो पाबंद सौमा सलातां दा होवे अदा करने वाला जकातां दा होवे न पेती जनादियां गातां दा होवे न सुनने वाला लगव बातां दा होवे बुरी नजर करके जो झाकदा है कुरान उसनू वली नहीं आखदा है कहिंदा कुरान वली जरा बुरी नजर करके लोगों धियां भैन वाल वेखे कुरान वली बोलो वली ओ नहीं हुंदा जो तूंबा वजावे ते किंग उते जेड़ा ससी हीर गावे मिर्जा ते साहबा जिन्नू हाल पावे वली हर गज नाच करके ना दिखावे बहु बेटी लोकां दी जो तक देने वली नहीं बदमाश जग देने वली ओ नहीं हुंदा जो पंगा कुटावे नशा पी के तुर दियां खबरां ले आवे कुकड़ बटेरे ते कुत्ते लड़ावे वली हर गज रोटी मंग के न खावे शक वाली रोटी दे नेड़े वली नहीं जे जांदा पाक अल्लाह वली नू खवांदा वली हुंदा मखलूक विच नेक बंदा वली दाड़ी उत्ते फराउंदा निरंदा न पाउंदा तमाला मोडे रख डंडा वली कोलो हुंदा नहीं कोई कम मंदा वली दिन रात अंदर इबादत लगांदा वली वेखिया खुदा याद आउंदा होर वली सिंगार आउंदा बोलदे नहीं भानू सीधा कर दे थोड़ा जा अमरजेंसी है तवज्जो अल्लाह अकबर कबीरा तवज्जो मेरे वल तवज्जो है जे सारे आंदी है जे अल्लाह अकबर कबीरा वली किनू आंद ऐ वली ने ना सियाबा फरमाया वल्लजीना हुम ली फरूजीहिम हाफिजून आओ हजरत अली दी कियादत दे अंदर सहाबा ने यमन दे उत्ते हमला कीता है मेरे पैगंबर अली सलाम फरमांदे ने अली उत्थे बाल बक बोते ओनू तोड़ दे पक्की कबर उची होए ओनू ढा दे एक बलिश्त उत्ते कबर नहीं होनी चाहिदी हजरत अली ने उत्थे जिस वक्त हमला कीता है हातम ताई दी बेटी है जिदा ना सफा है ये अदी दी पैन है यहूदन है सहाबा ने नू गिरफ्तार करके मसे नवी दे अंदर ले आंदा है वेख इन्हां नू वड्डा वली कौन है सहाबा दे इकान ते ईमान वल वेख लैना इनू गिरफ्तार करके आंदा है मेरे पैगंबर दे सामने आउंदी है ते जगां दे पीर दे सामने आई इहदा सिर नंगा सी मेरे नबी ने इहदे सिर दे उत्ते अपनी कंबल पाक मुजम्मल चादर मुहम्मद दी अदालत च सारियां दियां इज्जतां साझियां ही ने मस्जिद नबवी च दा खैमा लग जांदा है बिलाल दी अजान सुनदी है ओ सियाल कोठियो पता जे बिलाल दी अजान दा मेरा रब भी आशक है दर्रो सहाबा कढ लै इमाम शौकानी दी उहना बाप बनिया है बिलाल जिस उठनी ते बह के कयामत दे दिन आउणगे उहदे कदम सोने दे होणगे मुहार यकूत दी होएगी कयामत तक जिन्ने बांगे आउणगे उहना दा सरदार सैयदुल मुअज्जिनीन सारे बांगा दा सरदार मेरा बिलाल होएगा जो अल्लाह की अदालत च बिलाल आएगा अल्लाह कहणगे ओ मेरे नबी दिया बांगिया अज मेरे रिश्ते पाए ना खड़ा हो जा अज मैनू ओ अजान सुना दे जिहड़ी अजान मदीने च कहिंदा रहे एक दिन हजरत बिलाल आंदे ने सब तो पहले जन्नत च मैं जाना है सहाबा आंदे ने बिलाल नबियां तो भी पहलू फरमाया नबियां तो भी पहले सहाबा आंदे ने अपने महबूब तो भी पहले फरमाया हाँ अपने महबूब तो भी पहले जाना है सहाबा आंदे ने बिलाल किवें दी गल पिया करना है सब तो पहले आमीना दे लाल ने जाना है फरमाया नहीं मैं जगह दे पीर तो पहले जन्नत च दाखिल होना है नबी अलैहिस्सलाम को सहाबा मामला लै आंदे ने आका फरमा आका फरमाते ने
बिलाल ऐ तू गल कहिए कि मेरे तो पहले तू जन्नत च जाना है। जी या रसूल अल्लाह मैं कहिए मैं थोड़े तो पहले ही जाना है, मैं हूं भी कही ना ओ बिलाल सब तो पहले मैं जाना है, नहीं अल्लाह दे रसूल पहले मैं जाना है। फरमाया बिलाल ओ किवें सोने आप ते ज़बाने नबूवत चो फरमाया जे मैं जिस ऊंटनी ते बह के जन्नत च जाना है उदी मुहार मेरे बिलाल दे हाथ विच होएगी। तो मुहार वाला पहलू ही जाएगा, वो बोलते नहीं मुहार वाले पहलू नहीं जाना, मुहार वाला पहले जाएगा ऊठनी वाला बोलो बाद च जाएगा। बिलाल दी अजान सुन दी है, पैगंबर दी जबान चो कुरान सुन दी है, कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाती है। आंदी है महबूब जी ओ मैं अपने भाई नू जाके मिलना चाहनी हाँ, शाम दे जंगल च डरदा नस गया ओनू मैं जाके कवाया वही लुकदा फिरना। कायनात दे सारे सुकून अल्लाह ने मुहम्मद दियां जुतियां च रख दिते ने। आका फरमांदे ने उधरों को काफला आएगा ना सफाहा तो दे नाल तेनू भेज देंगे। फरमाया नहीं जेडे यारा ने यमन चो आंदा तेरिया ने ओही शाम च छड़ गए हुण सियाबी पहुंचे ने जदों लैके सफाहा नू ते दूरों वेंदा अदि कहिंदा ते मेरी मां जम्मी भैन सफाहा लगदी करीब आया उतार के आंदा पैणा गिले शिकवे बाद च ने इन्ने दिन मदीने रह के आई है दस तेरिया इज्जतां भी बचियां ने के नहीं ऐडे ऐडे जवाना ना सफर करके आई है तेरिया इज्जतां भी महफूज ने के नहीं। ओ यहूदी दी भैन ते यहूदी दी बेटी की आंदी है वीरा ओ इज्जत ते तेरे कर दी चार दीवारी च नहीं मिली जेड़िया इज्जतां मुहम्मद दिया जुतियां जो पा के आई हैं। ओ हया ते मैं तेरिया अखां च नहीं वेख्या जिहड़ा हया मैं मुहम्मद दे यारां दियां अखां च वेख्या। आंदी की सुन वे वीरा ऐ जेड़े वांग फकीरा नाल मेरे नी आए पैरी चपलियां खजी वालियां ते टाट गला विच पाए बोरिया दियां लक चादरा वलियां ते डब्बा नू दे के अरुंगे अद्धी पिनी तक चादरा लटकन ते गिटे दिसन पे नंगे ते गल बड़ी बयान दे ने बीड़िया दे था कंडे टुंगे हाथ विच पकड़े आसे हौली हौली कदम जमीत नहीं रखदे नहीं वेंदे आसे पासे सिर ते टोपियां जुड़िया होइया ते पुरजे पुरजे लीरा चेरे चन्न बदर जा चमकल पर हालत वांग फकीरा। इधर मेरे अल वेखो मथिया विच मेराब निशानी ते दाड़ियां सीने कजल मुंह जिक्र खुदा दा बोलन ना अकन ना रजन ए लै गए सी मैनू लै आए ने मैनू एडे नी भोले बाले अख चा इना नी उतकिया एडे नी करमा वाले वे वीरा तू की इना दियां सिफतां सुनना वेख इना दा चाला वेखण वाला ही इको पीर इना दा जिदा नाम मुहम्मद आला। कायनात दे अंदर ऐसे लियाओ ते सही जिन्हें बारे कुरान ने कहा रजी अल्लाह अनहुम व रजू अनहु मैं इन्हां ते राजी ये मेरे ते राजी। सही बुखारी क्यामत नू जन्नत च जाना ना इंशाअल्लाह। आज ये मुआदा नहीं जाना तो जाना किने वो बोलते नहीं इस जमीन की धरती ते अहले हदीस मसलक जिहड़ा रब की रहमत है। क्यों जी अंजम बड़ साहब अल्लाह की रहमत है बाबेरी आए ने ताइफ तो अल्लाह इन्हों सेहत दे बड़ी खिदमत करते ने उलामा की
अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह की रहमत ते मसलक, अगर मसलक वाले हदीस ना होंदा ते घर घर कबर होनी सी, यकीन करो। काल अल्लाह व काल रसूल दी सरूए जमीन ते गल करदा ते अली हदीस। और सियालकोटियो, अगर शरीयत दे अंदर कफन दे उत्ते कुछ लिखना जायज हुंदा, मैं अपने बेटियां नूं कहिंदा मेरे मरण तो बाद मेरे कफन ते लफ्ज़े वाली हदीस लिखवा दे। मेरे भाइयो, साडे च कमी हो सकती है, उलामा च कमी है, थोड़े च कमी है, लेकिन मसलक च कोई कमी नहीं। बोलो तो सही ना, इंशाल्लाह। इस वास्ते नबी पाक ने फरमाया ना, जब तक एक मुआहिद जिंदा है कयामत नहीं आएगी। तो मैं अगले दिन क्या, मैं क्या मौलवियों सानू गाला ना कढ़ो, कयामत अड़ी साड़ी वजह तो, जिदन भाभी मोगे ठा कयामत।